आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पुरोला महापंचायत पर टीवी डिबेट, सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करे सरकार, 3 हफ्ते में जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी या कि पुरोला में महापंचायत पर रोक लगाने और ऐसे अन्य किसी भी मामले में राज्य सरकार को सख्ती से विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने महापंचायत को लेकर के टीवी डिबेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। कहा जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है पुलिस उनकी जाँच करे, राज्य सरकार को इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। पुरोला परकोट नौगांव का बाजार बंद रहा, तो पुरोला में धारा 144 लगाने के विरोध और महापंचायत करवाने की मांग को लेकर के यमुना घाटी के पुरोला सहित बड़कोट और नौगांव बाज़ार बंद रहे। वहीं प्रशासन और पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर सख्त पहरेदारी की गई। 19 लोग गिरफ्तार, 2.5 घंटे लगा रहा जाम। तो बड़कोट और नौगांव से हिंदूवादी संगठनों के लोगों सहित व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने पुरोला जाने की कोशिश की। राजगढ़ी रोड के पास जब उन्हें पुलिस ने रोक दिया तो नौगांव पुरोला सड़क पर धरना शुरू कर दिया, जो करीब 2.5 घंटे चला। 25 को महापंचायत, 18 जून को बाइक रैली। तो यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के केशव गिरी महाराज ने कहा कि 25 जून को यमुना घाटी के बड़कोट में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। सीएम से वार्ता के बाद महापंचायत स्थगित। तो पुरोला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात महापंचायत को स्थगित कर दी। चक्रवात से समुद्र तटों पर बारिश और बवंडर। विपर्जय चक्रवात ने गुरुवार को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में दस्तक दे दी है, लेकिन सेना और एनडीआरएफ के प्रयासों से बड़ी आफत टल गई। गुजरात के तटीय इलाकों में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हालांकि तटीय इलाकों में बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि गुजरात तट पर चक्रवात विपर्जय ने शाम 4:30 बजे दस्तक दी और इसके टकराने की प्रक्रिया मध्यरात्रि तक पूरी होगी। जल निगम में 2022 के बाद हुए टेंडरों की जांच के आदेश। तो मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। धारा 144 के विरोध में पुरोला, बड़कोट और नौगांव बाजार बंद रहे। तो पुरोला में हिंदू संगठनों को किया जा रहा बदनाम, तो ज्ञापन भेजा गया। दूध सब्जी के लिए भी तरसे लोग। 25 जून को बड़कोट में महापंचायत, 18 को नैनबाग तक बाइक रैली निकालेंगे। सीएम ने दिया भरोसा, मुस्लिम संगठनों ने महापंचायत का इरादा बदला। एक और युवती ने लगाया दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। तो डोईवाला के बाद अब लक्सर में एक युवती ने समुदाय विशेष के युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। इनकार करने पर युवक ने उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कस्बा क्षेत्र निवासी युवती के घर के पास सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है। बताया जा रहा है कि दुकान पर मखियाली कला गाँव का एक युवक काम करता था। आरोप है कि युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद युवक उसे सुल्तानपुर स्थित अपने एक परिचित के घर ले गया और दुष्कर्म किया। बाद में वह उसे कलियर भी ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। आरोप है कि युवक ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। इनकार करने पर युवक ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। समुदाय विशेष के युवक को युवती के साथ पकड़ा, जमकर की पिटाई। तो रुड़की से खबर, एक कुछ युवकों ने बंद कमरे में अलग अलग समुदाय के प्रेमी युगल को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। मौके पर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि युवकों ने पकड़े गए युवक को अर्धनग्न कर दिया, साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस युवक को पकड़कर कोतवाली ले आई और उसका शांति भंग में चालन कर दिया। युवती से चाय बागान में मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म मुकदमा। तो मुस्लिम युवकों द्वारा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हिंदू युवतियों को फंसाने और उनके साथ दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को भी मुस्लिम युवक की ओर से हिंदू युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपित पीड़िता को घुमाने के बहाने बसंत विहार थाने के निकट चाय बागान की तरफ ले गया, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित भागने की फिराक में था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोपित को थाने लाकर पुलिस के हवाले किया गया। आरोपित की पहचान गुलफाम निवासी मेऊवाला नूर बस्ती के रूप में हुई है।
आज का मौसम पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। मैदानों में मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं तीव्र बुछार व झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। विपर्जय से उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदलने के आसार। तो उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और भीषण गर्मी बेहाल कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादलों के बीच हल्की वर्षा भी हो रही है। उधर गुजरात पहुंचे चक्रवाती तूफान विपर्जय का अगले कुछ दिन में उत्तराखंड में भी असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने 18 जून से प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में अंधड़ व भारी वर्षा की आशंका जताई है, जो 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में आग। तो मुखर्जी नगर के 5 मंजिला कोचिंग सेंटर में बृहस्पतिवार दोपहर आग लग गई। हादसे के वक्त 600 से अधिक विद्यार्थी मौजूद थे। धुआं भरने से दम घुटने लगा तो छात्र छात्राएं खिड़कियों के शीशे तोड़कर रस्सियों के सहारे नीचे उतरे। कुछ छात्र बिजली के तारों से नीचे उतर आए। उतरते समय घबराहट से रस्सी छूट जाने से करीब 70 छात्र छात्राएं गिरकर घायल हो गए। बृजभूषण यौन उत्पीड़न के आरोपी, पोक्सो का मामला नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को 6 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोपी माना है। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में पॉक्सो एक्ट हटाने की सिफारिश की गई। पुलिस ने कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी आरोपी बनाया है। खेल प्रशिक्षकों का मानदेय 48,000 करने की तैयारी। तो खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों का मानदेय भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर 15 से बढ़ाकर न्यूनतम 48,000 रुपये करने की तैयारी है। एकल अभिभावक कार्मिकों को अनिवार्य तबादलों में छूट। तो एकल अभिभावक कार्मिकों को सरकार ने तबादलों में छूट दे दी है। बृहस्पतिवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। शासनादेश की अवहेलना करने वाले वन अफसरों पर कार्रवाई के आदेश। तो PCCF ने उच्च न्यायालय को सौंपी 104 वन विभाग के अधिकारियों की सूची। अब कुर्सी पर बैठे बैठे योग कर सकेंगे अफसर। तो आयुष मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए दिए निर्देश। 25 दिन में सचिवालय रक्षक भर्ती पूरी, अंतिम परिणाम जारी। तो पेपर लीक के सदमे से निकलने के बाद उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने महज 25 दिन के भीतर सचिवालय रक्षक भर्ती पूरी कर ली। आयोग ने बृहस्पतिवार की देर शाम इसका अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। 33 अभ्यर्थियों का चयन कर सूची विभाग को भेज दी है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सचिवालय रक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन 21 मई को किया गया था, जिसका परिणाम 5 दिन के भीतर 26 मई को जारी कर दिया गया। इसके बाद आयोग ने 13 व 14 जून को अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मापजोक परीक्षण करवाया। इस आधार पर बृहस्पतिवार को अंतिम चरण परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा में टॉप करने वाले राहुल सिंह ने 94.50 अंक हासिल किए। जनरल की कट ऑफ 85, OBC की कट ऑफ 85.25, SC की 80, ST की 86.5 और EWS की कट ऑफ 88.75 अंक रही। सरकार दे सकती है नई भर्तियों की जिम्मेदारी। तो समूह भर्ती के लिए अधिसूचना चयन आयोग की रद्द होने के बाद कराई जा रही 3 परीक्षाएं एक चुनौती और अवसर हैं। अगर तीनों परीक्षाएं पारदर्शी और सुचितापूर्ण रही तो सरकार जल्द ही नई भर्तियों की जिम्मेदारी भी आयोग को दे सकती है। इसके लिए आयोग अध्यक्ष मर्तोलिया पूर्व में ही शासन को पत्र भेज चुके हैं। सहायक लेखाकार परीक्षा का परिणाम जारी, 637 का चयन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को सहायक लेखाकार परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। कुल 637 अभ्यर्थियों का चयन इस परीक्षा के लिए किया गया है। इनका अभिलेख सत्यापन जून और हिंदी टंकण परीक्षा का आयोजन अगस्त में किया जाएगा। एक सवाल को मूल्यांकन से हटाया। तो आयोग ने परीक्षा से एक सवाल को मूल्यांकन से हटा दिया। सिकोट में पानी के लिए सड़क पर उतरे लोग। CM आज आएंगे केदारनाथ धाम। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। CM के कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी ने अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी है। वही खबर श्रीनगर से, इसमें के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। गोपेश्वर से खबर है, कार पर पत्थर गिरने से चालक की मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी से 1 किलोमीटर आगे एक कार के ऊपर पत्थर गिरने से चालक की मौत हो गई। चमधार में यात्री बस पलटी, 24 घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारी देवी
के समीप चमधार में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें बस का परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 23 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों में 18 महिलाएं व 6 पुरुष शामिल हैं। पुलिस और डॉक्टरों ने दिखाई तत्परता। पोखरी में अतिक्रमण हटाए जोशी मठ में 7 को नोटिस भेजा गया। लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, तो रुद्रपुर से खबर है। बैठक में नहीं पहुंचे अफसरों से मांगा स्पष्टीकरण। गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, तो गमगीन माहौल में दिनेशपुर शमशान घाट में प्रेम सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया गया। 22 जून से खेला जाएगा UPL, तो CAU की ओर से आयोजित होने वाली लीग में राज्य की 6 टीमें प्रतिभाग करेंगी। KV वीरपुर में योग सप्ताह शुरू हुआ, तो 15 से 21 जून तक बच्चों को योग के महत्व और इतिहास से करवाया जाएगा परिचित। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ICF चेन्नई में निकली भर्ती, तो 530 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 30 सिविल इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 1551 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 200 से ज़्यादा ग्रुप ए और बी और सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 388 जूनियर इंजीनियरिंग एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 64 जूनियर टेक्नीशियन एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल पर हुए 25,000 पंजीकरण, 24 जून अंतिम तिथि, तो समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में एक प्रवेश प्रक्रिया का असर दिखने लगा है। अब तक लगभग 25,000 आवेदनों का पंजीकरण इस पोर्टल पर हुआ है। पंजीकरण की प्रक्रिया अभी 24 जून तक चलेगी। अन्य राज्यों से भी पोर्टल पर आवेदन आ रहे हैं। दारमा में बर्फीले तूफान से नाला उफनाया, पैदल पुल व घराट बहा, तो चीन सीमा पर स्थित दारमा घाटी में चल गांव की चोटी पर हिमस्खलन होने से एवलांच बर्फीला तूफान आ गया। इससे उफान पर आए गठखोला नाले ने तबाही मचा दी। गनीमत रही कि नाले का बहाव गांव की तरफ न होकर दूसरी तरफ था। CM से वार्ता के बाद मुस्लिम संगठनों की महापंचायत अली प्रशासन को मिली राहत। DFO सहित 104 अफसर कार्रवाई की जद में आए। ट्रेन से युवक के कटे दोनों पैर, आधे घंटे तक लोग एम्बुलेंस का करते रहे इंतजार। तो हल्द्वानी से खबर है, सिस्टम की लापरवाही एक और युवक की जिंदगी पर भारी पड़ती हुई दिखी। VIP रूट के फुटपाथ पर अतिक्रमण किया, माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। 4 जिलों में कैदी खा गए 4.96 करोड़ का राशन। 32 साल बाद टूटेगी NH इंटर कॉलेज के बाहर बनी 24 दुकानें, तो हल्द्वानी से खबर रही है। कल से 2 दिन बंद रहेगी पेयजल आपूर्ति, तो हल्द्वानी से खबर है। नैनीताल रोड पर जल संस्थान करेगा पाइपलाइन की शिफ्टिंग, लोगों से पानी का भंडारण करने की अपील की गई है। गोलापार में हाईकोर्ट के लिए काटे जाएंगे 4,238 पेड़। कॉर्बेट पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए बंद, तो अंतिम दिन पर्यटक पार्क कॉर्बेट पार्क में नाइट स्टे के लिए ठहरे थे 60 पर्यटक। कैची धाम आस्था का मेला भक्तों का रेला, तो तड़के 3 बजे से रात तक लंबी कतार, 3 लाख से अधिक अनुयायियों के पहुंचने का अनुमान था। नीट परिणाम में आयोटा के छात्र छात्राओं का परजम रहा। पानी मुहैया कराने को अफसरों से गुहार, तो रानीखेत की बैड़ी परियोजना को लेकर के CDO को सौंपा ज्ञापन। PTC कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कुनीले में परिवार पर हमला करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ, तो भिकिया सेठ से खबर आई है। ग्रामीणों ने वित्त सचिव के सामने उठाई समस्याएं, तो बागेश्वर से खबर आई है। सचिव वित्त निर्वाचन दिलीप जावलकर ने ग्रामीणों से किया संवाद, बागेश्वर में PTC सदस्यों ने प्रश्न किया। युवा उत्सव में स्कूली बच्चों ने दिखाया हुनर। हत्यारोपी प्रकाश को भलाई की सलाह कि नागवार गुजरी, तो विकासखंड लमगड़ा के ग्राम
धूरा संगरौली में बुजुर्ग महिला की दराती से हमला कर मौत के घाट उतारने वाला हत्यारोपी प्रकाश राम झगड़ालू प्रवृत्ति का है। बैंक भर्ती घपले में कार्रवाई की गेंद शासन के पाले में, तो सहकारी बैंक भर्ती घपले में शासन को समिति से फाइनल जांच रिपोर्ट मिल गई है। हाईकोर्ट की स्वच्छता की मुहिम से जुड़े दून के लोग, तो राजधानी के विभिन्न वार्डों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। वही खबर है, देहरादून से छात्रा की मौत में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रेंडिंग के नाम पर ठगी के आरोपी धरे गए। शिक्षकों के साप्ताहिक प्रशिक्षण की शुरुआत, यू सर्क द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उच्च शिक्षा में प्रवेश को 20 से खुलेगी करेक्शन विंडो, तो राज्य के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में एडमिशन के लिए समर्थ पोर्टल के जरिए आवेदन कर रहे छात्रों के लिए सरकार आवेदन पत्र में त्रुटि या सुधार की सुविधा देगी। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए 20 जून से करेक्शन विंडो काम करना शुरू कर देगा। पाबंदी से परोला में नहीं हो सकी महापंचायत। महापंचायत के समर्थन में चंबा में निकाली रैली, अल्पसंख्यक आयोग को भेजी परोला से पलायन पर रिपोर्ट। परोला मौरी नौगांव बड़कोट डामटा में बंद रहे बाजार, अफवाह फैलाने पर कार्रवाई को चेताया। विकासनगर में 15 को हिरासत में लेकर छोड़ा, तो महापंचायत के लिए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई। भारतीय वाहनों को नेपाल में अधिक भंसार चुकाना होगा। पनघट गोचर को अतिक्रमण में चिन्हित करने से भड़का गुस्सा। तला देश में बीएसएनएल की संचार सेवा ठप रही, लोहाघाट क्षेत्र में 2 लोगों ने की आत्महत्या। उत्तराखंड में 18 जून से दिखेगा तूफान विपर्जॉय का असर, तो विपर्जॉय चक्रवात का असर गुरुवार को गुजरात में दिखने लगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार विपर्जॉय उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। 18 व 19 जून को उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। गोलापार में हाईकोर्ट निर्माण के लिए 4000 पेड़ काटने पड़ेंगे। रामनगर के वीरू हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। दुकानें खाली करने को 24 घंटे दिए, तो हल्द्वानी से खबर आई है, एनएच स्कूल के सामने रामपुर रोड पर बनी 42 दुकान खाली करने को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। वही खबर है, हल्द्वानी से ट्रेन की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर कट गए। मुआवजे को कोतवाली गेट पर हंगामा, तो बुधवार को डंपर की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत। वहीं खबर है, खटीमा से हादसे में अधिवक्ता के पुत्र की मौत हो गई। बालक से कुकर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद हुई। 11 लेखपालों का तबादला, 2 कानून को स्थानांतरित किए गए। दुष्कर्म के आरोपी को पीटते हुए थाने ले गए लोग, तो बसंत विहार थाना क्षेत्र की घटना। पीड़िता को जबरन बाइक में बिठाकर ले गया था आरोपी, पुलिस ने किया मारपीट से इनकार। एसी ठीक करने आए मैकेनिक ने की छेड़छाड़, तो बसंत विहार थाना क्षेत्र के एक घर में एसी ठीक करने आए युवक ने नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ कर दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा था। किशोरी से दुष्कर्म और आत्महत्या के उकसाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही खबर यह, एसएससी एमटीएस की परीक्षा देने देहरादून आए 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। तो प्रेमनगर के एक निजी शिक्षण संस्थान में एसएससी एमटीएस परीक्षा के दौरान पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर पेपर देने पहुंचे थे, उनके कब्जे से 4 आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और नकदी बरामद हुई है। 15 सालों से हर साल बाबा के दर्शन आ रहे श्रद्धालु, तो नीम करोली बाबा के कैची धाम स्थापना दिवस को 59 साल हो गए। सूरज की तपिश पर भारी पड़ी आस्था, गस खाकर गिरे पर बाबा के दर्शन करके ही लौटे। शटल सेवा ने राहत से ज़्यादा आफत बढ़ाई। कैची धाम में करण अर्जुन हो गए थे गुम। 1964 में की हनुमान मंदिर की स्थापना। वहीं खबर यह, चक्राता से ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर निर्माण कार्य रोका। पहाड़ी से गिरने पर मजदूर घायल, तो चक्राता से खबर आई है, हरबड़पुर लूटकांड का दूसरा आरोपी धरा गया। कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच होगी। शिक्षकों को अपने ही जिले में मिल सकेगी तैनाती, तो वर्तमान तबादला सत्र में सरकार ने एकल अभिभावक और मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मियों को राहत दे दी है।
एक अभिभावक का तबादला उनके द्वारा दिए गए विकल्प में ही किया जाएगा। इसी प्रकार मृतक आश्रित कर्मचारियों से 5 स्थानों के विकल्प लेकर उपलब्ध स्थान पर तैनाती दी जाएगी। 4 साल से कम सेवा पर ही दुर्गम में रहने की छूट मिलेगी। अटल स्कूलों को भी मिलेगी गर्मी की छुट्टियां। तो राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 15 जून से गर्मियों की छुट्टी बहाल करने की मांग की है। रोजगार की पढ़ाई के आदेश पर मुहर लगी। संविदा कोच का मानदेय बढ़ेगा, मंत्री ने मांगा प्रस्ताव। कॉलेज में लड़कों जैसा बयान देते भाजपा अध्यक्ष। दिन में घोषित और रात में अघोषित बिजली कटौती से जनता बेहाल रही। हाईकोर्ट की मुहैया पर तेज हुआ स्वच्छता अभियान। सीआरपीएफ के 60 जवानों ने किया रक्तदान। नैनीताल जिला अस्पताल में 3 डॉक्टरों की तैनाती हुई। किच्छा कोतवाली गेट पर हंगामा, तो डंपर से कुचलकर युवक की मौत के मामले में कर रहे थे मुआवजे की मांग। देहरादून में ट्रैफिक सुधार से जुड़े फैसले 20 जून को होंगे। मसूरी में वीकेंड के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। देहरादून में भी इंतजाम, तो मसूरी आने वाले वाहन किताब घर से स्प्रिंग रोड होते हुए कैंटी फॉल की ओर जाएंगे। चक्राता रोड पर पेड़ काटे जाने का अनोखा विरोध। 99 दिन चले पूर्णागिरि मेले का समापन हुआ। टनकपुर में 3 माह के मेले में 50 से ज़्यादा हादसे हुए। शैक्षिक सत्र की शुरुआत में ही मिली गणवेश की रकम। शहर में बढ़ रहा इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज, तो पेट्रोल पदार्थों के बढ़े दाम और प्रदूषण के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगातार हो रहा है इजाफा। वही खबर काशीपुर से, होटल कर्मी के साथ मारपीट का आरोप लगा। सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मृत्यु, तो खटीमा से खबर रही है। 10 साल में आपदा के जख्मों से उबरकर फिर दौड़ने लगा केदारनाथ। पुनर्निर्माण से बदल रही केदारपुरी की तस्वीर। गरुचट्टी अब भी वीरान है। मंडल हत्याकांड के चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। लमगड़ा में बुजुर्ग महिला की दराती से वार कर हत्या कर दी गई। बीटेक का छात्र निकला मोबाइल चोर, 22 फोन किए बरामद, तो हरिद्वार से खबर आई है। कैची धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। कैंपटी और यमुनोत्री से आने वाले वाहन नहीं जा सकेंगे मसूरी, तो आज से 0 पॉइंट में डाइवर्ट रहेगा रूट। चाय बागान के खंडहर में ले जाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, तो किशोरी के शोर मचाने पर पहुंचे आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर धुना। बुजुर्ग के साथ हुई लूट का दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया। 2 समेत 5 पर आत्महत्या को उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हेल्प डेस्क शुरू हुआ। 5 महीने के लिए बंद हुआ राजा जी टाइगर रिजर्व, अब 15 नवंबर को खुलेंगे। इस साल 20,000 सैलानियों ने जंगल सफारी की। नहर की मरम्मत कर खेतों तक पहुंचाया पानी, तो तिलवाड़ा से खबर आई है। 5 करोड़ के गबन का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ, तो गोपेश्वर से खबर आई है। चालक की सूझबूझ से बची 29 यात्रियों की जान। वैली ब्रिज पर टांके लगाकर इतिश्री कर रहा बीआरओ। बोल्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र किए सम्मानित। किशोरी की शादी करवाने के मामले में 2 के खिलाफ केस दर्ज, चिनाली सौंठ से खबर आई है। हरिद्वार से खबर, हर की पेड़ी के 6 प्रवेश द्वार पर बनेंगे अभेद सुरक्षा कवच। पत्नी को गला रेत कर मार डाला, तो पथरी थाना के बुकनपुर की घटना, आरोपी फरार, भाई ने दर्ज कराया हत्या का केस। शक और कासुनी में बर्बाद हो रहे परिवार। रिकॉर्ड वसूली करने पर मेयर ने कर्मचारियों को किया सम्मानित। चरस में एक और कच्ची शराब के साथ 3 आरोपी दबोचे गए। 20,000 लोगों ने की जंगल सफारी। बेलड़ा बवाल, 9 पर लूट और 82 पर तोड़फोड़ का केस दर्ज किया गया। कांवड़ पटरी पर होगी शौचालय और सफाई की व्यवस्था, तो मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन। करीब 2 लाख भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। साजिश के तहत कोर्ट से बाहर थे हत्यारे। बिजली पानी के लिए तरसे लोग, तो हल्द्वानी से खबर रही है। गोलापार डिग्री कॉलेज में पढ़ने की इच्छा है मगर संसाधनों का अभाव है। मवानी दवानी में पेयजल संकट, लोग परेशान हुए। वहीं खबर रही है, बंगा पानी से आज़ादी के 20 साल नहीं रुकी डोली की चाल।
इस बार 12.5 हेक्टेयर कम जंगल जले। रानीखेत में अग्निवीर भर्ती रैली 20 से तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के युवाओं को जिलेवार तिथि आवंटित की गई। दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो नहीं मिलेगा प्रवेश। आधा प्रभावितों का 2 साल बाद भी नहीं हो सका विस्थापन। 99 दिन तक चला पूर्णागिरी मेले का समापन हुआ। दिव्यांशु का राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग में चयन हुआ। तेंदुए की दहशत से बंद दरवाजे में जीवन जीने को मजबूर, तो गंगोली हाट से खबर रही है। महिलाओं का तहसील में प्रदर्शन, तो अल्मोड़ा से खबर है। महिलाओं ने कहा जंगली जानवरों से दिलाओ सुरक्षा, बढ़ाओ मुआवजा। कार खाई में गिरी दंपति घायल, तो सोमेश्वर से खबर है। पुलिस ने निजी वाहन से 20 अस्पताल पहुंचाया। पिरुल में फिसलकर बालक घायल हो गया। 40 लवारिस पशुओं को शहर से खदेड़ा। लमगढ़ में बुजुर्ग महिला की दराती से वार कर हत्या कर दी गई। तराई में सूरज के तेवर गर्म, तो बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच 17 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तापमान। 6 घंटे में बुझी लकड़ी के गोदाम में लगी आग, तो उदयपुर से खबर आई है।